हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द वाओ प्लेट। आज हम बनाएंगे शुक्तो, आल्सो नोन एज द वेजिटेबल स्टू। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। शुक्तो बंगाली क्विजीन का एक बहुत ही पॉपुलर डिश है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्तो बनाने के लिए हम सबसे पहले हमारे वेजिटेबल्स को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिया है पानी। पानी में हम हल्का सा सॉल्ट डालेंगे, उसमें हम डालेंगे पोटैटो। ये मैंने अराउंड 1 बिग पोटैटो ले लिया है, उसको स्लाइस कर लिया है। स्वीट पोटैटो डालेंगे अराउंड 100 to 150 grams, और हम डालेंगे 2 ड्रमस्टिक। हमें इन वेजिटेबल्स को पारबॉइल कर लेना है। दूसरे कढ़ाई में हमने राधुनी लिया है। राधुनी एक बंगाल स्पेसिफिक एक स्पाइस होता है, जो मेनली शुक्तो जैसे वेजिटेबल कुकिंग में काम आता है। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून राधुनी लिया है, उसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। राधुनी भुन चुका है, उसके बाद हमने उसको थोड़ा ठंडा कर लिया है, और फिर हमने हमाल दिस्ता में ले लिया है। अभी उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इतने देर में हमारी सब्जियां अभी पार बॉयल हो चुकी है, उनको हाफ बॉयल ही करना है। तो अभी हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करके इनका जो पानी है वो हम सेव कर लेंगे फ्यूचर यूज़ के लिए। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई चला दिया है। हम इसमें तेल ले लेंगे अराउंड 3 टेबल स्पून। ये तेल हम ले रहे हैं डीप फ्राई करने के लिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा तेल लेंगे इसमें। तो यह हमारा तेल गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम उड़द दाल की वड़ी डाल देंगे और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यह हमने 15 to 20 वड़ी लिया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जितना चाहिए वड़ी आप उतना डाल सकते हो। इससे आपके खाने में एक क्रंची एलिमेंट ऐड होगा। तो वड़ी को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो अभी वड़िया फ्राई हो चुकी है, तो हम इसको निकाल लेंगे। हमने कुछ सब्जियों को पहले बॉईल कर लिया था, अभी और सब्जियों को हमें फ्राई करना है। उसमें हम ले रहे सेम 8 से 10, पर्पल ब्रिंजल 150 ग्राम, ब्लैक ब्रिंजल 50 ग्राम। आइडियली हमें ब्लैक ब्रिंजल ही यूज़ करना चाहिए शुक्तों में, पर क्योंकि ये यहाँ पे मेरे पास कम था ब्लैक ब्रिंजल, इसलिए मैंने पर्पल ब्रिंजल भी यूज़ कर लिया। हमने सेम की फलिया को हमने काट के चेक कर लिया है। इसको पहले आप ऊपर से नीचे काट के इसका जो स्ट्रिंग है उसको निकाल देना है, फिर उसको बीच से काट के फिर उसे चेक कर लेना है खोल के कि उसमें कीड़े नहीं है। वो हमेशा आप चेक कर लेना, क्योंकि ऐसे होता है। तो मैंने मेरे सारे जो सीम के फलियां है उनको मैंने चेक कर लिया है। अभी हम पहले सीम को फ्राई कर लेंगे। हो चुका है, अभी हम इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम ब्रिंजल फ्राई कर लेंगे, दोनों ब्रिंजल को साथ में डाल देंगे। तो चलिए हमारी बैंगन भी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें और थोड़ा सा तेल डाल देंगे, जितनी हमारी सब्जियां बाकी है फ्राई करने के लिए। तो अब हम कच्चा केला डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने एक कच्चे केले ले लिए है, इसको भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। फ्रेंड्स, कच्चा केला बहुत ज़रूरी है शुक्तों में, तो इसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कच्चे केले यहाँ पे फ्राई हो चुके, अभी हम इसको निकाल देंगे। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट करेले फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक करेला लिया है अराउंड 100 ग्राम्स के अंदर ही, तो वो फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्यूकम्बर लिया है, मुझे पपाया नहीं मिला, पर अगर आपको पपाया मिलता है, मतलब कच्चा पपाया, तो आप वो लेना। उससे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है शुक्तो की, एंड जनरली वो यूज़ होता है। मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया वो।
तो हम करेले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप देखे होंगे कि मैंने मेरे बाकी सब्जियों को ढक के नहीं पकाया है, पर करेला थोड़ा हार्ड होता है इसलिए उसको मैं ढक के पका रही हूँ। करेले फ्राई हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गए। आप चाहे तो जितने भी फ्राई किया है सब में आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, इससे फ्राइंग प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, आप चाहिए तो डाल सकते हैं। अब हम कुकिंग शुरू करेंगे। थोड़ा सा और ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल फ्राई करने के बाद बचा था उसके साथ थोड़ा सा ऑयल और ले लिया। इसमें हम एक तेज़पत्ता डालेंगे, ये हमने धो के टॉवल में सुखा लिया। अब हम 1 टीस्पून 5 फोरन डाल देंगे। 5 फोरन बेसिकली 5 स्पाइसेस का मिक्स है। इसमें रहता है काला जीरा, जीरा, राधुनी, मेथी और सरसों। ये बंगाल में ऐसे ही मिक्स मिलती है। अगर आपको ये अवेलेबल ना हो तो आप इन स्पाइसेस को मिक्स करके भी बना सकते हैं। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर डाल देंगे। जिंजर को अच्छे से फ्राई करना है। अब हमने एक मिक्सी में 4 टीस्पून राई के सीड्स यानी सरसों के सीड्स लिए थे, उसको हमने पेस्ट कर लिया है। वो पेस्ट हम अब इसमें डाल देंगे। ये जो थोड़ी सी बची है उसको थोड़ा पानी डाल के डाल देंगे। ये पानी वेजिटेबल जो कुक किया था हमने, जो बॉईल किया था उसका लेफ्ट ओवर है, तो उससे हम ये डाल देंगे। हमारे मसाले भुन चुके हैं। अब हम इसमें जो हमारे पारबॉल किए हुए वेजिटेबल्स थे हम वो डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला के हम इसको ढक देंगे और हाई फ्लेम पे कर देंगे। तो हमारी पारबॉल की हुई सब्जियाँ जो हमने दी थी वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और जो हमारे मसाले थे वो उसमें अच्छे से कोट हो गए। और अब हमने इसमें जो फ्राई की हुई सब्जियाँ थी हमारे पहले से वो सब डाल देंगे, सब एक ही बार में डाल देंगे सब्जियाँ डाल के। अब हम इसमें जो हमारा वेजिटेबल स्टॉक था वो डाल देंगे। हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, आप अपने अंदाज से आप इसमें डालना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वेजिटेबल स्टॉक डालने के बाद भी इसमें ग्रेवी कम लग रही है, इसलिए हम इसमें अलग से पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें और 1 कप पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा मिला के ढक के इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्जियाँ पक चुकी है और हम इसमें जो हमारी फ्राइड की हुई वड़ी थी, दाल की वड़ी, हमने वो डाल दिया। अभी हमें इसमें मिल्क में अराउंड 100 ml मिल्क में 1 टीस्पून मैदा मिला के डाल देना है, इससे ग्रेवी का कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसको ढक के और 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पे हमारी सब्जियाँ बहुत अच्छे से पक चुकी है, उसका कलर बहुत ही अच्छा है, टेक्सचर ग्रेवी का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है। अब हम इसमें कोकोनट मिल्क डालेंगे। यहाँ मैंने 1/8 पीस मतलब हाफ करके उसका 1/4 लिया है, उसको ग्रेट करके मैंने उसका दूध निकाल लिया है। मिल्क डाल के हमें इसको अच्छे से स्टर कर लेना है और फिर हमें इसको और 1-2 मिनट के लिए फिर से ढक के पकाना है। तो फ्रेंड्स, हमारा शुक तो ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुका है। मैंने इसको बीच में एक बार चेक किया था तो इसमें और थोड़ा सा सॉल्ट चाहिए, मैं वो डाल दूंगी। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे राधुनी, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है जिसके वजह से शुक्तों का डिस्टिंक्ट टेस्ट आता है, वो डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो है, जब मैंने सॉल्ट डाली थी तो सॉल्ट की लम्स बन गई थी, क्योंकि ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है तो वो लम्स बन जाती है। आप ये ध्यान रखना कि अगर आप रॉक सॉल्ट या हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज कर रहे हो तो उसको थोड़ा डाइल्यूट कर ले। राधुनी डाल के हम इसको एक स्टर देंगे अच्छे से और इसे ढक देंगे और 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे सिमर होने के लिए और गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इट्स शो डाउन टाइम। अब देखते हैं हमारी ग्रेवी कैसी बनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ग्रेवी बहुत ही अच्छा बना है। अभी इसमें लास्ट टच डालेंगे हम झोंडना घी। ये घी बहुत ही फेमस है कलकत्ता में और इसका जो स्मेल है ये बहुत ही अच्छा आता है, डिस्टिंक्ट स्मेल है इसका। हम इसमें ये घी डाल के
थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, हल्के से एक स्टर देंगे, देके हम इसको ढक देंगे। आफ्टर 30 सेकेंड्स हम इसको डिश आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी डिश बनकर तैयार हो गई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। शुक्तो इज बेस्ट सर्व्ड विद राइस, तो इसको राइस के साथ ही खाया जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी डिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, आपके कमेंट्स का हम इंतज़ार रहेगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी डिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को द वाओ प्लेट एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टे फिट स्टे हेल्दी। थैंक यू।